जो खबरें आती है वो अच्छी नहीं, तबादला फिर से उद्योग बन गया है। पुलिस का मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ है। ये मेरी दंभोक्ति नहीं है, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैंने इन्हीं पुलिस अफसरों को बुला के कहा था, क्योंकि एक नहीं कई बड़े डकैतों के ग्रोह थे उस समय, विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग और उत्तर प्रदेश से लगी हुई पट्टी में। हमने 6 महीने की डेडलाइन तय की थी कि डकैत बचने नहीं चाहिए, या तो मार दिए गए थे या सरेंडर कर दिया था, जेलों में थे या भाग गए थे। अब यही वक्त बदलाव का है कि डकैतों का राज फिर से कायम हो रहा है। मैं दोनों बच्चों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। खिलने के पहले ही डाल से तोड़ दिए गए। मैं माता पिता की स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूं, अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन केवल शाब्दिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। अब और बच्चे श्रेयांश प्रियांश ना बने, आगे कानून और व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो, सरकार को यह प्रयास करने पड़ेंगे। अभी जो मुझे जानकारी मिली, लगभग 6 हत्याएं रोज हो रही है। लगभग महिला अपराधों की संख्या अलग अलग तरह के 50 दिनों में 6000 घटित हुए, 5467 चोरियां, लूटपाट 213, डकैतियां अलग, और सरकार केवल ट्रांसफर में लगी हुई है। किसी अफसर को यह भरोसा नहीं कि वो आज है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रदेश ऐसे नहीं चलता। अरे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा कि प्रदेश आखिर चला कौन रहा है? मुख्यमंत्री के पीछे सुपर सीएम कौन है? मित्रों, बंडाढार रिटर्न फिर से हो गया है। मिस्टर बंडाढार रिटर्न, कोई पीछे से सरकार चलाएगा क्या? अगर मंत्री जवाब दे दें विधानसभा में तो डांट लगाई जाए, और डांट भी चुन चुन के लगाई जाए। ये संविधानिक सत्ता किसकी है और ये क्यों चलने दी जा रही है? आखिर असली मुखिया कौन है? दलाल सक्रिय है, कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अजीब स्थिति इन्होंने 2 महीने में प्रदेश की बना दी। दो महीना किसी सरकार की समीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होता, यह मैं मानता हूं।